योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चंद्र नमस्कार की कड़ी में आज हम बात करेंगे चंद्र नमस्कार की आठवीं स्थिति के बारे में। तो चलते हैं चंद्र नमस्कार की आठवीं स्थिति को जानने के लिए। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने बात किया था चंद्र नमस्कार की सातवीं स्थिति के बारे में, आज हम करेंगे आठवीं। आठवीं स्थिति का नाम है हस्त पादोत्तान। तो चलते हैं, पहले आपको एक बार सातवीं स्थिति करके बताता हूं। सातवीं स्थिति से आठवीं स्थिति में किस प्रकार से जाते हैं और आठवीं स्थिति को किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में समझते हैं। आपको याद ही होगा पिछली कड़ी के बारे में, उसके लिए आपको बताया था हम अश्व संचालन में आए थे। अश्व संचालन के बाद उसी का एडवांस पोज, जिसमें हमने हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके गए थे और जितना हम पीछे ले जा सकते हैं लेके गए थे। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को अपने पैर की आजू बाजू में रखेंगे, पीछे वाले पैर को धीरे से आगे लेके आएंगे। इस प्रकार से घुटना सीधा, बैक स्ट्रेट, घुटने को सीधा रखें और आगे झुकेंगे हम जितना झुक सकते हैं। कमर सीधी, दृष्टि थोड़ा सा आगे की तरफ, घुटने सीधे, दोनों हाथ बगल में। इस स्थिति को 15 से 20 सेकंड मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे अगली स्थिति के लिए। इस स्थिति में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। मित्रों, जब हम हस्त पादोत्तान करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमने आपको पहले भी बताया था हस्त पादोत्तान के बारे में, उसे किस प्रकार से करना चाहिए। एक बार मैं पहले सिर्फ हस्त पादोत्तान करके बताना चाहूँगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हमें चंद्र नमस्कार करते हुए किस प्रकार से हस्त पादोत्तान करना चाहिए। नॉर्मली वे पर दोनों पैरों को मिलाकर जब भी हम आगे झुकने की बात करते हैं तब हम इस प्रकार से नहीं झुकेंगे। जब हम इस प्रकार से झुकते हैं तो आपके कमर पर जोर आता है, इसलिए जब भी आप आगे झुकें गर्दन को, दृष्टि को सामने रखते हुए और कमर को सीधा रखते हुए झुकेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप झुक सकते हैं, बैक को सीधा, हाथ पीछे। इसी प्रकार से जब आप आठवीं स्थिति में आते हैं सातवीं से, मान लीजिए आपका पैर इस प्रकार से है तो पीछे वाला पैर धीरे से उठाकर आप इस प्रकार से लेके आते हैं और ज्यादा से ज्यादा नीचे बेंड होने का प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे कि आपका मस्तक पैरों पर टच हो लेकिन आपका बैक स्ट्रेट हो और बैक पर अननेसेसरी तनाव नहीं हो। मित्रों, इसी पोजीशन को हम आपको
बगल से साइड से करके दिखाना चाहेंगे ताकि स्थिति का स्पष्टीकरण हो। तो आइए देखते हैं इसी का साइड व्यू। इस स्थिति में थे, जब आप यहां से धीरे धीरे वापस आते हैं और बिल्कुल धीरे से अपने दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे और बाएं पैर के बराबर रखें, हथेलियां बगल में आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरों के बराबर, दृष्टि सामने की तरफ और ज्यादा से ज्यादा बेंड होना। कभी कभी जब हम पैरों को आगे लेके आते हैं तो हम अपने पैरों को पूरा नहीं ले पाते, उस दौरान आप हल्का सा घुटना मोड़कर धीरे धीरे पैर को ला सकते हैं इस प्रकार से। हमने जाना चंद्र नमस्कार की आठवीं स्थिति हस्त पादोत्तान के बारे में। क्योंकि खून का सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क की तरफ होने के कारण आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है और पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए भी अच्छा है। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आपके पिंडलियों पर और घुटनों पर खिंचाव होता है। चंद्र नमस्कार की कड़ी में हस्त पादोत्तान का अपना एक अहम भूमिका है। आज हमने जाना चंद्र नमस्कार की आठवीं स्थिति के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे इसी के अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।